नमस्कार, मैं आमिर खान, आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं केटीएन न्यूज में। कदुआ प्रखंड में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र का 71वां दिवस, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये 71वां है और हमारे यहाँ बड़ा शांतिपूर्ण तरह के मतलब गणतंत्र दिवस मनाया गया है और यहाँ पर कई जगह स्कूल में क्लब वगैरह में कुछ कुछ देशभक्ति गीत संगीत का भी आयोजन है और कहीं कहीं पे तो हो भी गया है और कुछ 2 बजे से भी कार्यक्रम रखा है क्योंकि कदवा से बड़ा अच्छा शांति संगीत। सब सुबह सुबह आए, सारे लोग जो भी है सब में गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है और हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत अच्छे से मनाया गया। सभी लोग आए, पार्टिसिपेट किए, झंडा तोलन हुआ और फिर जो भी है कार्यक्रम वो सब हुआ। ऐसे मौके पर देशवासियों को क्या संदेश दें? बस यही संदेश है कि जो आज के दिन हम लोग का मतलब संविधान लागू हुआ था तो संविधान के हिसाब से चले ना। पब्लिक के पास एक सब लोग इस देश के नागरिक हैं, जहाँ तक उसका फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो सारे लोगों से मैं ये भी करता हूँ कि संविधान हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज भी परफॉर्म करने के लिए मान्यता देती है। तो हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात ना करके फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग का जो है उसको हम लोग परफॉर्म करें तो देश बाद बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। बस यही कहना चाहता हूँ। नाम और परिचय? नाम मैं कन्या विद्युत अभियंता शिव कुमार, विद्युत आपूर्ति प्रसार का कदवा। आज पूरा भारत वर्ष 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर कदवा प्रखंड का जब हमने जायजा लिया तो पाया कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक, हर चौराहा, हर जगह सरकारी कार्यालय से लेकर के प्राइवेट संस्थानों में भी बड़ी धूमधाम से आज 26 जनवरी के मौके पर सभी ने मिलकर के झंडा तोलन किया। बताइए सर, किस प्रकार व्यस्तता रही लेकिन उसी में 10 मिनट समय निकाल के हम लोग और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया। अच्छा ये बताइए, आप लोग का स्कूल किधर है? क्या सब हुआ स्कूल में आज? हमने बहुत सारा कार्यक्रम किया, कुछ खाना पीना भी हुआ कि नहीं? क्या सब खाए? जलेबी। क्या नाम हो गया इधर से वेलकम ही भाई देवी भारत पूर्ण स्वतंत्र अभवत। मैंने अभी आप सबों के समक्ष संस्कृत की कुछ वाक्यांश प्रस्तुत की। मेरा उद्देश्य ये था कि आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में जो संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी कही जाती है, जिस संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, वो संस्कृत शायद गुम सा हो रहा है। आपको बचा के रखें, इंग्लिश भूली नहीं है। पर जितने सारे लोग आए सबको हम धन्यवाद देते हैं। ये गणतंत्र दिवस
हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम गणतंत्र लागू हुआ। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। आज हम ये हम लोग सोचेंगे कि जिस तरह हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो गणतंत्र बना, ये हमेशा अक्षुण्ण हमें रखना है, ये हमको सोचना है। और कैसे संभव हो पाएगा? प्रत्येक साल हम गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे, हम याद करते रहेंगे उन स्वाधीनता सेनानियों के जो हमारे देश से शहीद हुए, उनकी याद करते रहेंगे और याद करते हुए देश को हम हमेशा दुनिया के नक्शे पर हमेशा चाहेंगे कि ऊंचा रखें, अच्छा रखें, है ना। यही हमारा संदेश है। और ये सोचना है कि हम लोग जो झंडा फहराते हैं ये साधारण झंडा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है। हम हमेशा इसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये हमको ध्यान में रखना है। इसके लिए तो हम आज के दिन के लिए कहना चाहेंगे कि भारत है जहाँ हमारी और जान है तो सब कुछ, ईमान है हमारा, ईमान है तो सब कुछ। मिट्टी से जिसके पलके हम सब बड़े हुए हैं, उसके लिए मरेंगे ये शान है तो सब कुछ। मरना वतन पे सीखो, मरना वतन पे सीखो, जीना वतन पे सीखो, इंसान के लिए ये अरमान हो तो सब कुछ। बस तो सब लोगों का धन्यवाद। सर थोड़ा सा नाम और मेरा नाम राजमणि महतो, मूल रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कदवा के लिए पोस्टिंग हुई है, लेकिन इसके अलावा भी दो प्रखंड है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बारसोई के रूप में भी एडिशनल प्रभार है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलरामपुर का भी एडिशनल प्रभार है। इसी वजह से व्यस्तता अधिक रहती है, दो दिन का टाइम मिलता है यहाँ के लिए। सर गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या सब आयोजन हुआ? झंडा फहराया गया। झंडा फहराने का समय था 9:15 में, झंडा फहराए और झंडा गान गया। बच्चा लोग आया था बगल की सूट से, तू गाया झंडा गान और राष्ट्रीय गीत हुआ तो राष्ट्रीय गान हुआ था। किसान लोग भी आए थे, किसान लोग आए प्रसाद खाए और गए। क्या सब जानकारी दे रहे हैं? हमारे सब किसान लोग आए हुए थे, बच्चे लोग सब से राष्ट्रीय गान गाकर अपना गणतंत्र दिवस को अच्छी तरह से मना के हम लोग यहाँ से चले। क्या नाम हो गया? संजय कुमार, किसान सलाहकार। क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर? क्या क्या करते हैं? किसान सलाहकार। कहाँ का? कदवा पंचायत। ठीक। संदेश क्या देना है? संदेश है, हम गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, यही मेरा संदेश है। सबसे पहले तो आज